नए साल के स्वागत में कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। कोरोना काल में नए साल के स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। सरकार ने भी न्यू ईयर पार्टी के लिए शर्तों के साथ छूट दी है, लेकिन अगर उन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बात भोपाल की करें तो न्यू ईयर के जश्न को लेकर भोपाल में प्रशासन ने कुछ ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए हैं। हर दिन रात 11 बजे से शहर में भारी वाहनों की एंट्री होती थी, लेकिन आज रात 2 बजे होगी। वहीं पूरे भोपाल में 41 स्थानों पर न्यू ईयर पार्टी की तैयारी है। इन सभी स्थानों पर रात 12:30 बजे तक की इजाजत प्रशासन ने दी है। कार्यक्रम समय पर खत्म करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय थाना प्रशासन को दी गई है। भोपाल में न्यू ईयर पार्टी के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 150 स्थानों पर पुलिस चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। शाम 6 बजे से ये चेकिंग शुरू हो गई है। पुलिस की टीम 40 स्थानों पर ब्रीथ एनालाइजर के जरिए मौजूद रहेगी और शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों को जेल भेजेगी। भोपाल कलेक्टर ने साफ कहा है कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान कोरोना नियमों का पालन करना होगा। होटल और रेस्तरा संचालकों को गाइडलाइन के मुताबिक समय का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। तय समय से ज्यादा देर तक यदि कार्यक्रम किया तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। नए साल पर नियम तोड़ने वालों पर पुलिस फौरन FIR दर्ज कर लेगी। इसके लिए पूरे शहर में 2000 पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना के इस काल में प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है। भोपाल में 150 स्थानों पर सिक्योरिटी चेकिंग प्वाइंट लगाए गए हैं, जिनमें से 40 प्वाइंट पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। शहर में जगह जगह 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर FIR दर्ज की जाएगी। शहर में 41 स्थानों पर न्यू ईयर की पार्टी हो रही है। रात 12:30 बजे पुलिस आयोजन स्थल पर पहुंचेगी और यदि इस दौरान पुलिस को DJ पाया गया या पार्टी का आयोजन जारी रहा तो आयोजकों पर FIR दर्ज हो सकती है। भोपाल पुलिस की टीम मुस्तैद है। कोरोना गाइडलाइन के तहत पार्टी भी हो, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, क्या तैयारी है भोपाल पुलिस की? कितने स्थानों पर भोपाल पुलिस की टीम ने चेकिंग प्वाइंट लगाए हैं और फिलहाल इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? रिजवान, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, राजधानी भोपाल में 44 से ज्यादा चेकिंग प्वाइंट लगे हुए हैं और साफ तौर से नए साल को लेकर सुरक्षा के पुलिस की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह जो भी व्यक्ति अगर शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के कंट्रोल रूम। बिल्कुल बताना चाहूंगा आशीष, साफ तौर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी है और अधिकारी है यहाँ पर तैनात किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। साफ तौर से आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है उसकी सबसे पहले चेकिंग की जा रही है और बीते से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तमाम जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी मौजूद है, हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की चेकिंग है और क्या कुछ निर्देश नए साल को लेकर दिए गए हैं? सर से दिलवा को
बिल्कुल साफ तौर से जो पुलिस कर्मी है यहाँ पर तैनात किए गए हैं, नए साल को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, तमाम जो पुलिस कर्मी है यहाँ पर तैनात किए गए। कलेक्टर ने भी साफ निर्देश दिए हैं क्या जो भी कोरोना की गाइडलाइन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्था नए साल को लेकर लगाई होगी, लगाई गई और क्या कुछ निर्देश दिए गए? नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों में काफी उत्साह रहता है, तो यातायात व्यवस्था, खासतौर पर जो यातायात व्यवस्था है और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ये चेकिंग लगाई गई है। सर, कितने ऐसे चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं शहरभर में और किस तरह की चेकिंग की जा रही है? क्योंकि नाकों की अगर हम बात करें तो बाहर से किसी भी व्यक्ति को भोपाल में आने की परमिशन आज के दिन नहीं थी। सर, भारी वाहन नो एंट्री पर जो है वो जो रोके जाते हैं नियमित रूप से, वो नो एंट्री रात्रि 2 बजे तक बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। और शहर में लगभग 34 पॉइंटों पर ये चेकिंग जारी है। साफ तौर से आशीष, 34 स्थानों पर चेकिंग यहाँ पर जारी है और सुरक्षा के इंतजाम भी पुलिस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं ताकि जो नए साल लोग हैं आराम से अपना नया साल मना सके। जी बिल्कुल रिजवान, शहर भर में 34 स्थानों पर है, लेकिन शहर के सराउंडिंग चारों ओर जहां से एंट्री है वो 10 स्थान भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो राजधानी भोपाल में जैसा आपने बताया कि बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टियां हो रही है, तो जिन स्थानों पर पार्टियां हो रही है वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। कलेक्टर भोपाल ने साफ निर्देशित किया है कि 12:30 बजे के बाद यदि किसी तरह से कोई पार्टी का आयोजन मिला या कोई डीजे बजाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी है? तो से कल हमने भी बात करी थी, उनका यही कहना था कि 12 बजे के बाद अगर कोई भी पार्टी करता है दिखाई देता है या होटल संचालक या पब संचालक जो रेस्टोरेंट है जिनकी परमिशन है तो अगर वो पार्टी करते दिखते हैं या डीजे बजाते दिखते हैं या कोई आयोजन नए साल को लेकर करते दिखते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जितने लोग जो पार्टी आयोजन यहाँ पर जितने शहर में बताया गया 41 से ज्यादा जो पार्टी के आयोजन है वो राजधानी भोपाल में किए जा रहे हैं नए साल को लेकर, अगर वो कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं या मास्क बिना मास्क के किसी कस्टमर को एंट्री देते हैं या जो भी गाइडलाइन में जितने भी शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई साफ तौर से की जाएगी। जी आप कंट्रोल रूम तिराहे पर मौजूद है, वहां पर पुलिस चेकिंग तो कर रही है लेकिन वहां की तस्वीर भी अपने दर्शकों तक हम भिजवाने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग मास्क लगाकर घर से निकल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पुलिस से बचने के लिए क्या हेलमेट लगाया है, मास्क लगाया है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। बिल्कुल साफ तौर से आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति यहाँ से बिना मास्क के निकल रहा है या बिना हेलमेट के निकल रहा है यहाँ पर उसकी चेकिंग की जा रही है। तमाम जो शर्तें हैं जो गाइडलाइन में जो बताई गई है उनको पूरा यहाँ पर करवाया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो पूरी तरीके से जो कोरोना से बचाव के उपकरण है वो यहाँ पर अपनाएं। तमाम जो कारें यहाँ से जो गुजर रही है उनकी संदिग्ध लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, सबसे गाड़ी नंबर चेक कर रहा है, तो साफ तौर से जो चेकिंग है यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नाम जो लोग गाड़ी रुक रहा है अपना नाम भी नोट करवा रहा है और अपना मोबाइल नंबर नोट करवा रहा है, जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है सब अपना अपना जो नाम पता है यहाँ पर लिखवा रहे हैं। लोगों को समझाई दी जा रही है कि बिना मास्क के बिना हेलमेट के शराब पीकर वाहन यहाँ पर नहीं चला। जी आशीष, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, पुलिस चेकिंग भी की जा रही है, शहर के ऐसे जैसे आपने बताया 41 स्थान हैं जहां पर पार्टी होना है, न्यू ईयर के जश्न होना है, बड़ी संख्या में कपल्स वहां पहुंचेंगे, लोग वहां पहुंचेंगे। 12:30 बजे पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी स्थानीय थाना स्तर के अधिकारी की कि ये ऐसी यदि पार्टी चल रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
कंट्रोल रूम तिराहे के अलावा और ऐसी सख्त चेकिंग कहां पर हो रही है राजधानी भोपाल में, क्योंकि पूरे शहर भर का जायजा भी लेना है कि कहीं पर किसी तरह से शराब पीकर हुड़दंग ना हो, और नए साल की पूर्व संध्या पर तमाम जो लोग घर से निकल रहे हैं वो खास तौर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा शहर में करीब पूरे 44 पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें जो कुछ स्पेशल पॉइंट भी चिन्हित किए हैं। जैसे अगर हम बोर्ड ऑफिस चौराहे की बात करें तो वहां पर पुलिस बल भी ज्यादा लगाया गया है, क्योंकि साफ तौर से जो होटल है सबसे ज्यादा एमपी नगर में है और लोग आना जाना जो है रात में वहां से ज्यादा हो जाता है, जिसको देखते हुए वहां पर पुलिस बल भी लगाया गया है। बोर्ड ऑफिस में सबसे बड़ी बताया जा रहा है चेकिंग लगी, उसके बाद रोशनपुर की चौराहे की अगर बात करें तो न्यू मार्केट में भी बड़े चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। तमाम जो लोग वहां से गुजरते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, और जो डीआईजी इरशाद वली का भी साफ तौर से कहना है कि जो भी व्यक्ति शराब पीकर अगर गाड़ी चलाए या इस तरह का जो माहौल शहर में जो गलत तरीके से फैला है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई है। डीआईजी इरशाद वली ने कल ही साफ तौर से ये भी बात कही थी कि जो भी होटल संचालक है पब संचालक है अगर वो कोई महिला को उंटी देते हैं या कपल की उंटी देते हैं अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो उसकी भी जिम्मेदारी जो आयोजक है उनकी रहेगी, उन्हीं के ऊपर जो है थाना स्तर पर मामला दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल रिजवान, ये सबसे ज्यादा अहम बात है कि यदि किसी पार्टी में नई न्यू ईयर की पार्टी में किसी महिला को प्रवेश दिया जाता है या कपल्स वहां पहुंचते हैं, महिलाएं वहां पर हैं, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आयोजनकर्ता पर होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि शराब के नशे में इस तरह के आरोप होते हैं। पिछली कई घटनाओं का जिक्र हमने किया है। आखिरी सवाल रिजवान, 12:30 बजे पुलिस प्रशासन ने क्या खास तौर पर तैयारी कर रखी है, ऐसे पार्टी के जो आयोजन जहां पर हो रहे हैं उन स्थानों को चिन्हित कर रखा है, उनको खास तौर पर या तो समझाइश दी जाएगी, फोन किया जाएगा, या सीधे पुलिस जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंचकर चेकिंग करेगी? साफ तौर से बताना चाहूंगा क्राइम ब्रांच ने एक लिस्ट तैयार की है सबसे जहां जहां पार्टियां हो रहा है, और उनके कांटेक्ट नंबर भी क्राइम ब्रांच ने सब पूरे जो है पब वाइज होटल वाइज लगाकर रखा है। उनको थाना स्तर पर भी समझाइश दी जाएगी, 12 बजे से उनको फोन में कर दिया जाएगा कि 12:30 बजे तक अपने जितने भी गेस्ट हैं कस्टमर हैं जो भी आए हैं उनको जाने के लिए कहा जाए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं 12:30 बजे के बाद अगर पर क्राइम ब्रांच की संयुक्त जो कार्रवाई रहेगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। यस बिल्कुल, शुक्रिया रिजवान। ये थे हमारे संवाददाता रिजवान पठान जो जानकारी दे रहे थे राजधानी भोपाल के व्यस्ततम चौराहों से क्या कुछ पुलिस की तैयारी है न्यू ईयर जश्न से पहले। जो पार्टी से पहले लोग अपने घर से निकल रहे हैं जश्न मनाने के लिए, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाए कि यदि 12:30 बजे के बाद आप शराब पीकर यदि वाहन चलाते हुए नजर आए तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और इसके साथ ही जहां पर आप पार्टी में जा रहे हैं जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अनादि टीवी भी अपने दर्शकों से अपील करती है कि नए साल का जश्न मनाएं लेकिन कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करें। बिल्कुल, नए साल के जश्न के लिए भोपाल पुलिस की तैयारी है, शहर में पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है, आम लोग सुरक्षित रहे, जश्न मनाएं नए साल का लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, शराब पीकर हुड़दंग ना करें। 40 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगा रखे हैं, ब्रीथ एनालाइजर लेकर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे, यदि हुड़दंग की तो खैर नहीं।